क्योंकि बाट रेडी है, रेडी टू ब्रीड है बाट्स। आपको भी देख के शायद पता चल रहा है, एक्सपीरियंस है इस तरह था चर के जाने का। ठीक है, मैं आऊँगा एक बार, तब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं चने देते हैं, चना के साथ हर किस्म का जो डाल रहता है, हरा मतलब गोटा मूंग, सोयाबीन, सोयाबीन देते हैं, गोटा मूंग देते हैं, मटर देते हैं। तो काफ़ी चांसेस है SOPR से प्रोग्रेस मिलने के। आऊँगा, देखिए ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी है अगर आप बार्ड ब्रीडिंग फार्म बा बार्ड ब्रीडिंग फील्ड पे आना चाहते हैं बा उनके ऊपर। मतलब मुँह से वो सपोर्ट लेता है सिर्फ, लेकिन वो जब जाता है अपने पाँव से ही जाता है। अभी इधर मतलब एज हो गया है, लेकिन जब तक इसका फिजिकल प्रॉब्लम क्लियर नहीं होगा फीमेल का, तब तक ये ब्रीडिंग पे नहीं आ सकेगा। अभी काफ़ी रेयर म्यूटेशन है जो लाइम योलो है, ये काफ़ी कॉस्टली बर्ड है, इसलिए काफ़ी कम लोगों का पास है। खाते और सुगर कैन देना काफ़ी ज़रूरत है फ्रेंड, ब्रीडिंग टाइम में खास करके। ब्रीडिंग टाइम में आप लोग सुगर कैन यूज़ करेंगे तो उसको मतलब इस स्प्रेयर को लेने के लिए ही भाई आप 4 महीने वेट किया थे ना। अच्छा अच्छा, तो ये सब फ्लाइंग पिजन है, ये काफ़ी चालाक है फ्रेंड्स, उधर नहीं गया क्योंकि इसको पता है उधर जाने से इसके जो दोस्त लोग है हमला करेगा, तो इसलिए इधर। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल कोलकाता लव बर्ड। मैं अविनाश आप सभी को एक बार फिर से वेलकम करता हूँ कोलकाता लव बर्ड से। तो फ्रेंड्स आज आए हैं सोदपुर, सोदपुर पे एक मेरा फ्रेंड है उनके पास आए हैं, तो मतलब दो भाई है, दो भाई मिल के मतलब एक बर्ड फार्म बिल्डअप की मतलब किया है, अभी भी काम चल रहा है। मतलब स्टार्टिंग बज्जी से लव बर्ड से स्टार्टिंग किए थे, और उसके मतलब स्टार्ट किए मतलब करने के बाद अभी वो लोग गे पैरोट वाइट आइट कुनूर मॉन्ग पैराकिट ये सब को लेके अभी पाल रहे हैं, उनको लेके अभी आगे जा रहे हैं। तो यही जो जर्नी है, ये जर्नी के बारे में हम लोग जानेंगे उनसे। तो ये है दो फ्रेंड, ठीक है, सायन और दादा का नाम संदीपन, ठीक है। तो इनका ही फार्म है, तो दोनों भाई मिलके काफ़ी मेहनत से काफ़ी लगन से आज ये फार्म को बिल्डअप किया है, तो वो सब देखेंगे। लेकिन उनके पहले मैं सायन के साथ मतलब इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। सायन थोड़ा आप इंट्रोड्यूस किया जाए, आप क्या करते हैं? मैं एक्चुअली इधर रहता नहीं हूँ, जॉब के मामले में मैं बाहर रहता हूँ पटना में, तो देखभाल ये भाई मेरा जो है वही करते हैं। अच्छा, आप मतलब आप किस में जॉब करते हैं? सिविल। सिविल में? अच्छा, सिविल के काम के लिए संदीप दा से काफ़ी सारा भेंट हुआ था, लेकिन आज फास्ट सायन से भेंट हो रहा है। तो सर मतलब तो बात कौन देखते हैं दादा? मतलब भाई? अच्छा, भाई देखते हैं, आप ही पूरा देखते हैं? हाँ। तो आप भी तो जॉब करते हैं? हाँ, जॉब करते हैं। अच्छा, तो इनको कैसे मेंटेन करते हैं? मतलब सवेरे मेंटेन करके खाना देके पानी सब चेंज करके पानी देके चल जाते हैं, फिर दोपहर में माँ देखते हैं, कभी बाबा देखते हैं, दोपहर वाला दाना देते हैं लोग। अच्छा, फिर हम रात में आगे फिर काम करते हैं शाम में। तो देखिए सायन तो एक्चुअली इधर आए तो नहीं, जॉब के लिए आउट ऑफ टाउन आउट ऑफ सिटी रहना पड़ता है। अभी कहाँ पहुँचते हैं? पटना। पटना में रहते हैं, महीना में एक दो बार आते हैं, और दादा भी जॉब करते हैं, ठीक है। तो फिर भी मतलब बाहर से ये लोग इतना प्यार करते हैं, इतना लगाव है, फिर भी उनको रखे है, काफ़ी अच्छे से उनको पाल रहे हैं, उनको अच्छे से केयर कर रहे हैं। हम जाएंगे दिखाएंगे। तो और एक बात बोलेंगे सायन को, तो मतलब आप बर्ड्स आप लोग स्टार्ट कब से किए थे? मतलब एक ही बचपन से आप लोग का शौक था? बचपन से ही तो चिड़िया मतलब जानवर से लगाव हमेशा है। अब मतलब बचपन से ही होता है? बहुत तरह का चीज़ हम पहले पालते थे बचपन में। एकदम राइट है फ्रेंड्स, ये बर्ड्स बोलिए, पेड्स बोलिए, कोई भी चीज़ हो इस तरह का, ये बचपन से हम लोग का मतलब था। कुत्ता, खरगोश, चूहा, बहुत कुछ था मेरे पास। अच्छा, पहले बहुत सारा पेड्स था, मेंटेन नहीं होता। हाँ हाँ, फिर 2010-11 में बर्ड्स का काम था छोटा बर्ड्स वाला। अच्छा, फिर मेंटेन नहीं हो पाया बोल के बीच में छोड़ दिए थे। अच्छा, अभी फिर देख के फिर अचानक आया कि नहीं फिर से करेंगे। अच्छा, वही भाई से पूछे कि ये अगर मेंटेन कर पाए। पहले एक बात बोलिए, मतलब पहले आप जो स्टार्ट किए थे किससे स्टार्ट किए? पहले छोटा बर्ड्स का सिर्फ था, बजरीज वगैरह, कॉकटेल, पिंच, जावा, लव बर्ड, यही मेनली था, इन सब वैरायटी का आपका बर्ड्स था। लेकिन वो इस टाइम मतलब इस केजिंग करते थे, कॉलोनी वगैरह नहीं। ओ, सेपरेट केजिंग सब करते थे? हाँ, टोटल सेपरेट केजिंग था। अच्छा, तो उनका कैसे प्रोग्रेस में कैसे रिजल्ट आता था आपको? ठीक ही ठाक था, लेकिन कॉलोनी करने के बाद थोड़ा सा डिस्ट्रॉय किया था, कम हो गया था, और फिर वही के सेपरेट में मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा था, काफ़ी टाइम देना पड़ता था। आप लोग तो कभी बिजी रहते थे, बिजी रहते,
तो मतलब उसके बाद क्या काम के लिए आपको बाहर जाना पड़ा, उसके बाद सेटअप बंद दिए थे? सेटअप बंद कर दिए थे। अच्छा। फिर वही कबूतर वगैरह जो था यही था घर में। उनके पास पिजन भी है ऊपर, फ्लाइंग पिजन है। ठीक है, जाएंगे दिखाएंगे आप लोगों को। अच्छा, तो ठीक है, अनेकटा स्पेस आज। ठीक ना, এটা ওটা খুব রিক্স ব্যাপার হয়ে যাচ্ছিল। মতলব পেলে পিজন মতলব জাদা থা না? সব ব্রিডিং করতা হ্যায় পিজন? আবি সব সিঙ্গেল রখ দি। ও মতলব ফ্লাই কে লিয়ে? আচ্ছা, ফ্লাই করতা হ্যায় না? আচ্ছা আচ্ছা, তো এসব ফ্লাইং পিজন হ্যায়। মতলব ব্রিডিং মতলব আপ ব্রিডিং নেই করাতে ক্যা? মতলব कराते हैं, अभी कोई प्यार नहीं। अच्छा अच्छा, अभी प्यार नहीं है, प्यार सेट नहीं कर पाए भैया लोग, तो इसलिए अभी ब्रीडिंग नहीं कराते, सिर्फ फ्लाई के लिए इसे पिजन को रखते हैं। सब यूट्यूब में वीडियो देखे, आपका वीडियो, फिर दीपंकर बिंदा जो है दीपंकर का वीडियो देख के फिर शौक हो गया, फिर से कुछ करेंगे। अच्छा, जो करेंगे मतलब बड़ा टाइप वाला। हाँ हाँ, मतलब एक्चुअली आप तो छोटा बर्स कर चुके थे, छोटा बर्स का आइडिया था, अभी आप थोड़ा बड़ा बर्स पैरट की तरफ आपको मतलब। और मेनली यही है कि एक जैसे मैंने इसमें भी सोचे थे कि पहले कुछ छोटा रखेंगे। अच्छा, धीरे धीरे इतना वैरायटी बराबर देखते गए और लालच से उन्हीं लोगों को लाते लाते मेरा हाँ एक तो एक होता है फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या है, देखिए बार्स या पैरट में दो टाइप का होता है, एक छोटा बार्स एक बड़ा बार्स। अगर आप बड़ा बार्स में जाएंगे फिर छोटा बार्स में आना बा उनको रखना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, मतलब एक टेस्ट होता है, टेस्ट जब आपको चेंज हो जाता है तब आपको लगता है नहीं छोटा में नहीं जाएंगे, इसमें ही रहेंगे। तो इसी हिसाब से आप जितना भी एग्जॉस्टेड पैरोट है उनका भी काम करें, और काफ़ी सारा प्यार ऑलरेडी इन्होंने ले आए हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा बिल्डअप कर चुके हैं ऑलरेडी, तो हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए आप लोग मतलब पैरट्स के ऊपर ही काम कर दिए? हाँ हाँ हाँ, वही है कि मतलब सोचे थे कि दो चार जगह सबके लिए रखे थे, लेकिन धीरे धीरे मतलब एक एक को देख के नया नया वैरायटी देखने से हमको ऐसे भी थोड़ा शौक है कि अनकॉमन बर्ड्स के। हाँ, आपके पास देखा, आपके पास काकारी की भी है, वाइड आई कुनूर भी है, इसी से अभी कुछ आपके पास देखे जो अनकॉमन का है। अच्छा, इसके बाद आपको क्या मतलब ले आने का इरादा है, मतलब इसका बात क्या? ओपन जो बड़ा जगह है इसमें सोचे कि मेरा सब फूल सब वैरायटी एक एक करके अगर कम से कम हो जाए घर में, हर वैरायटी का एक एक्स्ट्रा सा अमेजन के लिए आपको तो जगह चाहिए, जगह और जगह तो आप लोग ने बना भी लिया है। ठीक है, कपड़ा एक बार दिखाओ थोड़ा। तो ये पूरा फार्म है फ्रेंड्स, ऊपर जाएंगे तो अभी देखिए एक्चुअली क्या है, मतलब कोई भी सेटअप बोलिए या कोई भी फार्म बोलिए, कोई एक दिन पे खड़ा नहीं हो सकता फिर, ये आप लोग को ही पता है। सिर्फ इन्वेस्ट करने से नहीं होता है, डे टू डे मतलब डे बाई डे इनको इम्प्रूव करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि इनके पीछे काफ़ी मेहनत होता है, बार्ड्स को ले आना, रखना, उनका केयर करना। और छायन का एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी है, अगर आप बार्ड ब्रीडिंग फार्म या बार्ड ब्रीडिंग फील्ड पर आना चाहते हैं या उनके ऊपर कुछ अच्छा आप कुछ करना चाहते हैं, तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ेगा, वो है पेशेंस। एक्चुअली क्या है, साइन मुझसे काफ़ी सारा बार्स लिया है। ठीक है, तो पहले वो ब्लू मॉन्ग लिया था, तो मैंने उसको दिया था, ठीक है, जब मांगा था, लेकिन उसके बाद उसका ग्रीन मॉन्ग का प्यार का ज़रूरत था, तो मुझे बोला, तो उस टाइम मेरे पास ग्रीन मॉन्ग था नहीं, मतलब मुझे नहीं मिल रहा है। और देखिए फिर मैंने आपको शेयर किया, जब तक कोई अच्छा प्यार मुझे नहीं मिलता है मैं किसी को नहीं देता, जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता। तो वो तीन महीना से ज़्यादा होगा ना, चार महीना से वेट किया, मतलब वो हर 10-15 दिन के बाद मुझे फ़ोन करता था, मुझे भी काफ़ी ख़राब लगता था, तो मैं सोचा था वो जरूर किधर से ले लेगा, क्योंकि एक्चुअली हम लोग का क्या होता है, जब हम लोग कोई बार्स ले जाना चाहते हैं, हमारा 4 मंथ वेट किया ग्रीन मॉन्ग के लिए। ठीक है, मतलब जो मैं बोल रहा था फ्रेंड्स, हम लोग के पास अगर पैसा होता है और कोई बार्स ले जाने का हम लोग सोचते, तो मेरा बार रात को मैं सो नहीं पाता हूँ, कब वो बार्स को ले आऊँगा, क्योंकि हम लोग का पेशेंस नहीं रहता है, हम लोग तब क्या थोड़ा ब्लाइंड हो जाते हैं, सोचते नहीं बार्स को ले आना है, वो अच्छा होगा क्या, ये होगा, बाद में जाकर बीट करेगा कि नहीं, उसका एज ठीक है कि नहीं, सेम ब्लड लाइन है कि नहीं, ये सब हम लोग सोचते नहीं है। लेकिन सायन तो एक्सपीरियंस था, काफ़ी सारा बार्स उनके पास पहले से था, तो उनको मतलब उनको मैंने देखा, इतना पेशेंस रखा, मैंने सोचा था वो दूसरा किसी जगह से ले लेगा, इतना टाइम तो वही मतलब वेट नहीं करेगा, और मुझे नहीं मिला था अच्छा कोई, तो मैं बोला था थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो 4 मंथ तक वेट किया फिर।
चार महीना वेट किया, उसके बाद जाके ग्रीन मॉन्क दादा जाके ले आए, मतलब मुझे अच्छा मिला तो मैंने दिया। उस जगह में लगभग लगता है दो सेट और बार चला आया था, लेकिन हाँ दूसरा बार मैं दे दिया था दो प्यार दूसरा, लेकिन मॉन्क में नहीं दे पा रहा। और मॉन्क शायद आपका खूब फ्लैट बार से ना? हाँ जैसे मॉन्क सब कोई नहीं रखता है ना मॉन्क, इसीलिए कि अनकॉमन ब्रीड है तो रखेंगे, देखते हैं। क्योंकि दादा से जितना बार बात होता था मॉन्क के बारे में काफ़ी सारा बात होता था, तो उससे मुझे आइडिया हुआ कि मॉन्क आपका कभी फ्लैट बार से तो है। उनके पास अभी थ्री टाइप का है, अभी भी वो येलो एल्बिनो करेंगे, धीरे धीरे उसको बिल्डअप करेंगे। तो ठीक है चलिए अभी देखते हैं बार्ड्स को, जितना भी पैरोट से बाद जितना भी बार्ड से देखेंगे उनका क्या 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 फीडिंग बा क्या अभी दे रहे हैं वो लोग, ठीक है देखेंगे। देखिए प्रोग्रेस तो अभी नहीं आएगा क्योंकि पैरोट पे अगर आपका काम करना है, बड़ा बार्ड्स में आपको काम करना है तो आपको तो टाइम लगता है दो तीन साल। तो सनकुनूर ए अभी सब सेमी एडल्ट एज है, दो प्यार एडल्ट मतलब सेमी एडल्ट या बच्चे लेके आए, सब रेडी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट साल से उनको कुछ प्रोग्रेस मिल जाएगा और उसके बाद दो तीन साल के बाद ये सब बार्ड्स से उनको काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस मिलेगा। अब इधर आइए और ए पी आर रेडी हो गया है, तो ए पी आर का चांसेस है इस साल बीट करने, मतलब बीट करने का काफ़ी चांसेस है। बॉक्स भी लगा दिया है दादा लोग ने और बार्ड्स को देख के मुझे जो पता चल रहा है बीट करेगा फेंस इस सीजन में, ये दो तीन महीना में ए पी आर बीट करेगा। और ए रोजला गोलमेन, तो गोलमेन रोजला है फ्रेंड्स, और ए भी रेडी हो गया है बीट के लिए। तो अगर तकदीर ने साथ दिया दादा लोगों को तो इस साल ये सब प्यार से बीट मिलेगा, क्योंकि अभी तो जस्ट बीटिंग सीजन स्टार्ट हुआ है फैन, तो काफ़ी चांसेस है ये सब प्यार से प्रोग्रेस मिलने के। भी प्रोग्रेस होगा तो जरूर आएंगे, सब कवर करेंगे, क्योंकि मुझसे जितना हो सकेगा दादा लोग को सपोर्ट देना का तो मैं जरूर दूंगा, क्योंकि काफ़ी काफ़ी उम्मीद से और ये लोग काफ़ी मेहनत से इसको बिल्डअप कर रहे हैं, तो जितना हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। और फ्रेंड्स ये फास्ट एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस है इस तरह से चढ़ के जाने का, ठीक है। ये है काकारी की, काकड़ी की दो पिया लेके आए दादा ने, तो ऐसा इस साल तो बीट करना थोड़ा मुश्किल है, तो नेक्स्ट साल मतलब नेक्स्ट ईयर में ऐसा बीट करेगा फिर। काफ़ी अच्छा मतलब काफ़ी खूबसूरत बार्ड्स है, काफ़ी मुझे पसंद है क्योंकि ये काफ़ी शांत मतलब बार्ड्स है फैंस, इतना शोर शराबा नहीं करता है, काफ़ी शांत से रहता है। और इनका भी काफ़ी सारा म्यूटेशन है तो उनके बारे में बाद में आप सब में डिस्कस करूँगा। देख लीजिए काकारी की, इसको बोलते हैं येलो काकारी की। अब एज कितना हुआ साइन इसका? एक साल हुआ है, मतलब नेक्स्ट ईयर में ये लोग बीट करेगा फिर। खासियत यही है, देखिए कैसे चल रहा है। हाँ नहीं करता है, मतलब नेट को पकड़ता नहीं है काकड़ी की, नहीं होट से नहीं पकड़ता। हाँ होट से नहीं पकड़ता है, पावर से ही जाता है। हाँ। काकड़ी का एक मतलब खासियत है फ्रेंड्स, मतलब मुंह से वो सपोर्ट लेता है सिर्फ, लेकिन वो जब जाता है अपने पावर से ही जाता है। अब इधर आइए, इधर क्यों कुनूर का प्यार है, जैसे रेड फैक्टर पाइन एपल कुनूर बगल पे आइए, ग्रीन चिक कुनूर। तो ये सब बार्ड्स तो सब सेमी एडल्ट एज में लिया था भैया ने, तो ये जनवरी तक ये लोग ब्रीडिंग पे ये सबको बैठना पड़ेगा, क्योंकि छोटा कुनूर होता है ये 15 मंथ में ये लोग ब्रीडिंग एज पे आ जाता है। तो अभी तो एक साल हो गया है ये सब बार्ड्स का, तो ये सब बार्ड्स और दो तीन महीने का बाद ब्रीडिंग करेगा फिर। तो ये सब देखना था, दादा काफ़ी दिन से बोला था एक बार आने के लिए विजिट करने के लिए, तो जितना मुझे जानकारी होगा बाद जितना मुझे मालूम पड़ेगा ये लोग को देख के उस हिसाब से दादा लोग को मैं बोल दूँगा, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। अभी चलिए मॉन्क पैकेट दिखाते हैं। और इस प्यार को देखिए फ्रेंड्स, ब्लू येलो टाइप का प्यार है, एक्चुअली ये मेरा सेटअप पे बीट करने का बात था, मतलब इस साल मैंने लेके आया था मेरा फ्रेंड से, लेकिन दादा ने मुझे बोला तो इसलिए मैंने दादा को दे दिया, क्योंकि दादा नया स्टार्ट कर रहा है और अगर कुछ प्यार इसमें से बीट कर लेता है तो दादा को भी काफ़ी अच्छा लगेगा और भी मोटिवेशन मिलेगा, तो इसलिए मैंने इस प्यार को दादा को दे दिया था।
मेरे दादा के पास गिफ्ट करेगा वो भी ठीक है। जब आप पोगेस आएगा मैं आऊँगा एक बार, तब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये ब्लू येलो साइड है, मतलब सब एक एक पेयर करके दादा ने लिया है। ब्लू येलो साइड ग्रीन चीक पाइन एप्पल सब एक एक पेयर करके लिया है। तो चलिए अभी मॉन्ग पैर दिखाते हैं आपको। तो पहले ग्रीन मॉन्ग पैर, ग्रीन देखिए, ग्रीन मॉन्ग मतलब इस पेयर को लेने के लिए भैया 4 मंथ वेट किया थे, और ये बार्स मैंने दादा को दिया था क्योंकि मुझे लगा था ठीक है। तो ये सब बार्स अभी एक साल लगेगा, नेक्स्ट साल में ये सब बार्स बीट करेगा। दादा के कॉलोनी किया है दादा ने मॉन्ग पैराकिट का लिए, लेकिन ये बार्स अभी तक रेडी नहीं हुआ इसलिए कॉलोनी में नहीं छोड़ा है। और कॉलोनी में अभी 2 पेयर है, चलिए अभी उसको दिखाते हैं। ये ब्लू मॉन्ग ये इस साल बीट करने का काफ़ी चांसेस है फ्रेंड्स। और दादा के पास एक रियल म्यूटेशन का मॉन्ग पैराकिट है, अभी काफ़ी रियल म्यूटेशन है जो लाइम येलो है, काफ़ी मतलब रियल म्यूटेशन है। आपको मैं अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो काफ़ी रियल म्यूटेशन है लाइम येलो, और उसके साथ एक्वा टर्कुजिन प्यार है, उसके बाद में दिखाते हैं। इसको देख लीजिए फिर, काफ़ी अच्छा कलर है और काफ़ी रियल म्यूटेशन है। और टर्कुजिन जो है ये मेल है या फीमेल है? टर्कुजिन मेल है, टर्कुजिन मेल है ऊपर वाला फूल, और ये जो लाइम येलो है ये फीमेल है। चलिए अभी आपको एक नया टाइप का बार्स दिखाते हैं, मतलब नया टाइप का कुनूर दिखाते थे। एक कुनूर भी काफ़ी कम लोगों का पास है तो दादा लेके आए हैं, दादा के पास है, चलिए दिखाते हैं। देखिए बीस, ये भी एक कुनूर है, इसको बोलते हैं वाइड आइट कुनूर। ये काफ़ी कॉस्टली बार्ड है इसलिए काफ़ी कम लोगों का पास है, इसको बोलते हैं वाइड आइट कुनूर। तो ये रेडी हो गया है, एक प्यार ए प्यार का भी चांसेस है इस साल बीट करने का, क्योंकि ए प्यार रेडी हो गया है। चलिए हम लोग तो सभी दुआ करेंगे ये सब बार्स का खूब अच्छा ब्रीड मिले, और कम से कम एक क्लास दादा को मिले, क्योंकि दादा काफ़ी मेहनत से काफ़ी सारा इन्वेस्ट भी किया है ए फार्म के पीछे। तो अगर 2-4 पेयर का प्रोग्रेस आ जाता है तो दादा और भी अच्छी तरह से इसको डेवलप कर सकेंगे। इसलिए हम सभी दुआ करते हैं फ्रेंड्स, आप लोग भी दुआ कीजिएगा ये दादा को भी इस साल कुछ अच्छा प्रोग्रेस मिले। 2 पेयर ग्रे पेयर भी लेके आए हैं, तो वो ग्रे पेयर अभी देखेंगे, उसमें तो एक पेयर रेडी हो गया है मुझे देख के जो लग रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं। और ये जो ग्रे पेयर है ये दादा का एक फ्रेंड का था, इसका जो फीमेल है उसका सर प्लैगिंग का प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसका ट्रीटमेंट दादा ने किया है, अभी काफ़ी अच्छा है, अभी तो मतलब ओवरकम हो रहा है ना दादा। अच्छा, इसका क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप? ऑरोबास से इसको स्प्रे करते हैं। अच्छा अच्छा, तो अभी फायदा आ रहा है ना। और खा मतलब कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं आप? नहीं, बस स्प्रे कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, तो देखिए एपीआर भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन फीमेल का तो प्लैगिंग का प्रॉब्लम हो गया है, तो ये जब तक पूरा तरह से क्योर नहीं होगा तब तक ब्रीडिंग का आना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन प्यार रेडी है, मतलब एज हो गया है, लेकिन जब तक इसका फिजिकल प्रॉब्लम क्लियर नहीं होगा फीमेल का तब तक ये ब्रीडिंग पे नहीं आ सकेगा। और बगल का जो प्यार है ये पूरा रेडी हो गया था, लेकिन एक्चुअली ग्रे क्या है ये तो बड़ा टाइप का पैरट पे आता है, तो इसका ब्रीडिंग कब होगा ये बोलना काफ़ी मुश्किल है फ्रेंड्स। सिर्फ ब्रीडिंग एज होने से ही नहीं होता है, ये सब बात का ब्रीडिंग के लिए काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। जब सब कुछ ठीक होता है तभी ये लोग बीट करता है, और ये तो कभी इंटेलिजेंट बार्ड है, ये जब अपना आपको महफूज या सिक्योर फील करेगा, और इनको प्राइवेसी फीडिंग मेडिसिन बैलेंस डाइट जब तक मतलब जब मिलेगा तभी ये लोग बीट करेगा फिर। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है ये लोग का सेट होना, और दादा ने तो नया लेके आए हैं, 3-4 महीने हुआ है लेके आए हैं, तो ठीक है देखते हैं। ये अभी मतलब इसी जगह पे सब किस्मत का काम होता है, फिर किस्मत अगर साथ दे देगा तो ब्रीड कर देगा, क्योंकि बार्ड रेडी है, रेडी टू ब्रीड है बार्ड्स, आपको भी देख के शायद पता चल रहा है।
चलिए काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स ये था सिक्स मंथ का मेहनत का ओवरऑल सिक्स मंथ मतलब रिजल्ट था ये था। और मैं बोलूँगा काफ़ी अच्छा सेटअप बना लिया है दादा लोगों ने, काफ़ी मेहनत से, काफ़ी लगाव से। ठीक है, तो अभी मैं पूछना चाहूँगा ये आप लोग मतलब खाना पीना क्या देते हैं, मतलब सुबह क्या देते हैं सारे पैरों के बाद? तो एक्चुअली दादा ही मेन देखते हैं। ठीक है, तो टाइम तो रहता नहीं है, तो दादा ही मेन डेली उन लोग का क्या करते हैं। तो दादा आप सुबह पहले क्या खाना देते हैं आपने सारे बाद पैरों को? सुबह में चने देते हैं, चना के साथ हर किस्म का जो दाल रहता है, हरा गोटा मूंग सोयाबीन देते हैं, गोटा मूंग देते हैं, मटर देते हैं, बादाम देते हैं, बादाम में कच्चा बादाम देते हैं, बीन्स गाजर वो तो थोड़ा बाद में देते हैं आप, सुबह पहले आप चना का मतलब दाल का एक मिक्स देते हैं। अच्छा, उसके बाद फ्रूट रहता है, फ्रूट में आपका पपीता देते हैं, एप्पल देते हैं, गुआवा देते हैं, अनार देते हैं, ये भी देते हैं, मूंगफली भी देते हैं। एक आप मतलब सीड मिक्स में मिक्स करके देते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। मूंगफली देना काफ़ी जरूरी है फ्रेंड, मतलब पैरट टाइप का बार्ड्स को, ठीक है, उनके पास तो सभी पैरट टाइप का बार्ड है, तो मूंगफली देना काफ़ी जरूरी होता है। ये हाई प्रोटीन सोर्स होता है और फैट भी होता है, उनका बैलेंस डाइट के लिए मूंगफली या हाई प्रोटीन खाना देना काफ़ी जरूरी है। तो फ्रूट में आप गुआवा, अनार, पपीया मतलब सुगर कैन, हाँ सुगर कैन देना काफ़ी जरूरी है फ्रेंड्स, खास करके ब्रीडिंग टाइम में, क्योंकि ब्रीडिंग टाइम में सुगर कैन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, ये सब आप देते हैं। और वेजिटेबल में क्या देते हैं? वेजिटेबल में हम बीन्स देते हैं, गाजर देते हैं, बरबट्टी देते हैं, झींगा भी दिया जाता है गर्मी के टाइम में। है एक्चुअली क्या देखिए फेज बास पैरट का कैलोरी बोलिए या प्रोटीन कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है, तो इसलिए आप लोग खाना पीना में, ठीक है, जितना ज़्यादा करके आप ग्रीन फूड फ्रूट ये सब देंगे व कार्बोहाइड्रेट जितना चना व दाल का जो मिक्स होता है उतना अच्छा होता है। जैसे कद्दू दे सकते हैं हम लोग, केला दे सकते हैं, भिंडी दे सकते हैं, उच्चे दे सकते हैं, हाँ सब कुछ वेजिटेबल आप दीजिए, आलू प्याज बोला आलू प्याज छोड़ के जितना भी ग्रीन फ्रूट होता है वेजिटेबल वो आप दीजिए फूड। ठीक है, पहले देखिए बार्स का जो हैबिट नहीं होगा वो तो नहीं खाएगा, लेकिन एक टाइम पे होगा क्या वो, उसका हैबिट हो जाएगा और वो खाएगा। मतलब थोड़ा लेट से दिले तक रख देंगे तो वो खाएगा, नहीं मिलेगा तो उसको आदत उसको पड़ेगा। क्योंकि देखिए हर एक तरह ग्रीन फूड में या फ्रूट में अलग अलग विटामिन कैल्शियम मिनरल्स का सोर्स होता है, इसलिए पैरोट या बार्स को अगर आस्था ब्रीडिंग करना है तो अभी से इसको अभी भाई मतलब दाल मतलब उसको रेडी कर दे तो अभी से उनका मतलब फिजिकली उनका जो बैलेंस डाइट है कैल्शियम मिनरल्स इसका ठीक से आपको ग्रो करना पड़ेगा, इसलिए आपको हर तरह का खाना देना पड़ेगा, ना कि सिर्फ दो चार तरह का खाना आप देंगे, हर तरह का खाना आप देने का कोशिश कीजिएगा और एक ना एक दिन बस हैबिट कर लेगा तुम। आप देने से वो हैबिट कर से जो नया हुआ है फर्स्ट फर्स्ट टाइम वो थोड़ा दिक्कत करते हैं, मगर ऐसे ऐसे आदत उसको पड़ जाता है, क्योंकि मैंने भी देखा हूँ, मैं भी जानता हूँ आदत पड़ जाता है, फिर हमको देना पड़ेगा, हम लोग देते नहीं और इसलिए वो लोग खाते नहीं, वो लोग का हैबिट नहीं होता। और सीड मिक्स में क्या देते हैं आप? सीड मिक्स में हम देते सनफ्लावर सीड देते, कुसुम दाने देते, धान देते और आपका कभी ज्वार देते, बाजरा देते, मतलब सीजन के हिसाब से थोड़ा डिपेंड करता है। अच्छा, कंगनी कनरी सीड वाइट मिलेट वो अलग छोटा जो है छोटा कुनू को डालते नहीं। इधर एक चीज़ करने से अच्छा होगा, देखिए फ्रेंड्स मैं एक चीज़ बोलूँगा, जे बास को मतलब बड़ा बास हो छोटा बास हो हर एक तरह का सीड देना चाहिए, क्योंकि हर एक तरह का सीड में अलग तरह का विटामिन प्रोटीन व अलग तरह का उनका मतलब इक्वलिटी होता है। तो अगर आप सब सीड को एक साथ मिक्स करके देंगे तो वो लोग पहले क्या छोटा वाला खाएंगे, छोटा वाला नहीं खाएंगे, तो छोटा वाला उसका जो छिलका होता है उसका नीचे रहता है और वेस्टेज हो जाता है। जैसे मैं भी ऐसा करता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा बड़ा बीटा को मैंने देखा हूँ वो लोग दो तरह का सीड मिक्स करता है, एक तरह का छोटा सीड मिक्स जिसमें कंगनी रहेगा, कनरी सीड रहेगा, व्हाइट मिलेट रहेगा, रेड मिलेट रहेगा, ब्लैक सीड रहेगा, तीसी रहेगा एक का, और दूसरे में जो बड़ा टाइप का सीड होता है जैसे सनफ्लावर सीड, कुसुम सीड, बाजरा, ज्वार, जौ, पैडी, ये दो तरह का सीड मिक्स होता है। तो वो लोग देखते हैं मैं ऑल्टरनेट करके देते हैं, मतलब चार दिन अगर मतलब बड़ा टाइप का सीड मिक्स देंगे तो तीन दिन और छोटा टाइप का सीड मिक्स देता है। मेरे पास अब गेप था वो कंगनी दाना भी खाता था, फिर
तो कांगनी दाना भी खाता था। मतलब हम लोग सोचते थे बड़ा टाइप का बर्ड और छोटा दाना नहीं खाता, लेकिन गलत सोच है। फिर अगर हम लोग मतलब अगर देंगे तो सब कुछ खाएगा। और देखिए सनफ्लावर सीड कुसुम ये तो एक्चुअली फैट है, ऑयली खाना है। और वो एक्चुअली क्या है, काफ़ी मतलब वो लोग खाने में इंटरेस्ट भी होता है तो हम लोग वो दे देते, लेकिन वो सही नहीं है हेल्थ के लिए। सीड से हम सॉफ्ट फूड के ऊपर ज़्यादा डिपेंड, हाँ सॉफ्ट फूड का ग्रीन फूड के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, लेकिन सीड के ऊपर आप बाजरा, चीना, कनाड़ी, व्हाइट मिलेट, ये मिलेट टाइप का ये सब आप अपना बाहर सब पैर को दीजिएगा तो काफ़ी अच्छा होगा। और सनफ्लावर कुसुम दीजिएगा, लेकिन आपका पैर और छोटा सीड भी खाना चाहिए, मतलब उस तरह का आपको हैबिट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सनफ्लावर सीड कुसुम मत दीजिए, लेकिन उसके साथ छोटा सीड भी आपको देना पड़ेगा। मतलब हर तरह का सीड बाट को हैबिट कराना पड़ेगा खाने के लिए, इसलिए आपको दो तरह का सीड मिक्स बनाना पड़ेगा, एक छोटा एक बड़ा। जब वो बड़ा सीड नहीं पाएगा, छोटा सीड पाएगा, थोड़ा सीड खाना पड़ेगा, उसको मजबूरी में खाना पड़ेगा। भूख जब लगेगा खाना पड़ेगा सभी, मतलब जो आप खाना देंगे तो एक टाइम पर आएगा, हैबिट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बैलेंस डाइट आपको पैरट में पैरट को देना पड़ेगा, तभी अच्छा से ग्रो करेगा। और जब उसका ब्रीडिंग टाइम आएगा, ब्रीडिंग में जाएगा तभी अच्छा ब्रीड करेगा, ठीक है। तो अभी तो एक ग्रोइंग टाइम है, हम लोग आए हैं, कवर किए, दादा लोग से बात की है। जब दो तीन साल बाद इन लोग का अच्छा प्रोग्रेस हो जाएगा, मतलब ब्रीडिंग एज पर आ जाएगा, सभी केज में प्रोग्रेस होगा, तब भी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगा। फिर उससे पहले मैं भी आऊँगा, दादा लोग जब बुलाएंगे बा मेरा भी टाइम हो जाएगा, आऊँगा, थोड़ा बहुत मिलता हूँ, मिलूँगा, शेयर करूँगा। लेकिन जब प्रोग्रेस इस सेटअप का अच्छा सा होगा फिर, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि इस तरह से तैयार करने से भी, मतलब तैयार करने से पैरों बार जितना भी है सबका फोकस होता है, हर एक बार का, हर एक पैरों का प्रोग्रेस होता है। प्रोग्रेस लेना कोई बड़ा बात नहीं है, सिर्फ उनको केयर करना वही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर वो सीखता से आप लोग कर पाएंगे तो एक ना एक दिन आपको प्रोग्रेस मिलेगा, तो मैका हो या बज्जी हो, ये मेरा सोच है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, मतलब मैं उसी हिसाब से आप लोग को बोला हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही ख़त्म करेंगे, ठीक है। और दादा लोगों को बोलेंगे काफ़ी अच्छा दादा, मतलब दिल खुश हो गया है, आप लोग छः महीने में जो कि मतलब कर चुके, मतलब ऑलरेडी कर लिया है, मतलब ये करना इतना आसान नहीं था। आप लोगों का प्यारी है, मोहब्बत है, लगाव है बाट से, वैराइटीज टाइप का, हाँ इसके वजह से आप लोग इसे ग्रो किया है, मतलब ये प्यारी है फिर ये लगाव ही है। मतलब छः महीने में इतना कुछ करना उतना आसान नहीं था, तो इसके लिए थैंक यू बा कॉन्ग्रेचुलेसन सायन, कॉन्ग्रेचुलेसन संदीप, ठीक है, कैरी ऑन, ठीक है। और हम सबका दुआ है इस साल आप लोगों को कुछ प्रोग्रेस मिले, ये हम सभी मिलकर आप लोगों के लिए दुआ करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं, हम आज का वीडियो यही ख़त्म करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।